हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, ये न्यूमेरिकल हमने लिया है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो ऐसे न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन हमें दिया गया है, हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पीयर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। तो क्लियरली क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कितनी, हाउ मेनी, कितनी 176 ओम्स के रेसिस्टर्स आप पैरेलली कनेक्ट करोगे, जिससे कि एक 220 वोल्ट वाली लाइन पर 5 एम्पीयर का करंट चलने लग जाएगा। तो क्लियर है, हमें सिर्फ निकालना है कि कितने 176 ओम्स के रेसिस्टर्स हम 220 वोल्ट वाली लाइन पे लगाएंगे, जिससे कि उस लाइन पे 5 एम्पीयर का करंट चलने लग जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने यहां पर एक डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया, हमने कई सारे 176 ओम के जो रेसिस्टेंस है उनको पैरेलल यहां पर कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाली लाइन पे। इन रेसिस्टेंस के कारण से इस लाइन पे 5 एम्पीयर का करंट चलने लग गया। हमें सिर्फ ये निकालना है कि हमने ये टोटल कितने रेसिस्टेंस यहां पर पैरेलली कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमको लाइन पर जो है 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, इसको नोट कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इन लाइन, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, तो V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। अब हमें लाइन पर कितना करंट चल रहा है ये भी दिया है, 5 एम्पीयर का करंट चल रहा है, तो करंट इन लाइन, करंट को हम I से डिनोट करते हैं, तो करंट कितना 5 एम्पीयर का चल रहा है, तो I इज इक्वल टू 5 एम्पीयर। तो आप निकाल लेते हैं कि टोटल कितना रेसिस्टेंस जो है इस लाइन पर है। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमें ओम्स लॉ देता है। तो लिखते हैं बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमने पढ़ा ही है, ओम्स लॉ के द्वारा हमको पता है V इज इक्वल टू IR होता है। इस कारण से R का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, तो R इज इक्वल टू V के नीचे I को ले आइए, R इज इक्वल टू V ओवर I हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहां पर टोटल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं, टोटल रेसिस्टेंस इन लाइन, लाइन में जो टोटल रेसिस्टेंस है उसको निकालते हैं। टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, R इज इक्वल टू V ओवर I का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो R इज इक्वल टू V कितना है हमारी लाइन पे 220 वोल्ट का, और I करंट कितना है हमारे पास में 5 एम्पीयर का लाइन पे, 5 एम्पीयर का। अब 5 से 220 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 44, और वोल्ट अपॉन एम्पीयर हो जाएगा ओम, तो हो जाएगा 44 ओम। तो हमें पता चल गया कि हमारी लाइन पर, इस टोटल लाइन पर, इस पूरी लाइन पर ये टोटल रेसिस्टेंस कितना बन रहा है 44 ओम्स का। हमने यहां पर ये तो निकाल लिया कि टोटल रेसिस्टेंस इन लाइन जो है वो है 44 ओम्स, लेकिन हमसे यहां पर ये निकालने के लिए नहीं कहा गया था कि टोटल रेसिस्टेंस इन द लाइन कितना है, हमसे ये पूछा गया था कि इस लाइन पर 176 ओम के कितने रेसिस्टेंस पैरेलली जोड़े गए। तो चलिए मान लेते हैं कि एंड रेसिस्टेंस जो है 176 ओम्स के पैरेलली लाइन पे कनेक्टेड है। तो लिखते हैं, लेट देयर बी एन नंबर्स ऑफ रेसिस्टर्स कनेक्टेड पैरेलली इन द लाइन। ठीक है, ऑफ वैल्यू 176 ओम ईच। यहां पर हमने लिखा है कि हमने एन नंबर ऑफ रेसिस्टर्स जो है वो कनेक्ट किए हुए हैं पैरेलली लाइन पर, जिनमें से हर एक का जो वैल्यू है वो है 176 ओम का। ठीक है, चलिए अब हमने जो ये एन नंबर ऑफ रेसिस्टेंस 176 ओम के, ये जो एन नंबर ऑफ रेसिस्टेंस हमने पैरेलली कनेक्ट किए हैं, इनका एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। हम ये निकालते हैं, अगर हम इन सारे रेसिस्टेंस को हटाएं तो इसकी जगह पर कौन सा एक रेसिस्टेंस हम लगा सकते हैं वो हम निकालते हैं।
वो जो रेसिस्टेंस निकलेगा वो इस लाइन पर टोटल रेसिस्टेंस के बराबर भी होगा, और टोटल रेसिस्टेंस हम पहले से ही निकाल चुके हैं 44 ओम्स का, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं यहां पर जो हमने 176 ओम्स की एन रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट किए हुए हैं, इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा आर डैश। क्या लिख लेते हैं, लेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन बी आर डैश, ठीक है। और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं अगर हम किसी लाइन पर पैरेलली बहुत सारे रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो उन सारे रेसिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, उसका जो रेसिप्रोकल होगा, वो बराबर होगा उन सारे रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर। हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है, इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, ठीक है। इस बात को हम अपने क्वेश्चन में इस तरीके से यूज करेंगे, हमारे पास में ये रेसिस्टेंस हमने पैरेलली कनेक्ट किए हुए हैं, एंड रेसिस्टेंस हमने पैरेलली कनेक्ट किए हैं 176 ओम्स के, और इन सब का हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस माना है आर डैश। तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल ये वन अपॉन किया, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बराबर होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, तो जितने भी यहां पर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस लगे हैं उनके रेसिप्रोकल के सम के बराबर, यानी कि 1/176 ओम एक रेसिस्टेंस ये लगा हुआ है, दूसरा भी 1/176 ओम यानी कि 176 ओम का एक और लगा हुआ है पैरेलली, तो 1/1/1 करके इनको ऐड करते जा रहे हैं, और कितने टाइम ऐड करेंगे, एन टाइम्स हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमने यहां पर एन इसलिए लिखा है क्योंकि हमको पता है कि हमने यहां पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया था उसमें 176 ओम्स के हमने एन रेसिस्टेंस यहां पर लगाए हुए थे, यहां पर हमने लिखा भी था, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, 1/r' हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में हमने देखा सभी के नीचे 176 ओम्स हमको दिखाई देगा, यानी कि ये नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा 176 ओम, और ऊपर सभी के 1/1 होगा, तो 1+1+1 अप टू एन टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/r' इज इक्वल्स टू, क्योंकि 1 एन टाइम्स है तो ये हो जाएगा 1 × n यानी कि n, और नीचे हो जाएगा 176 ओम। यहां पर दोबारा से देख लीजिए 1+1+1 ऐसे करके n टाइम्स 1 को हमको प्लस करना है, तो n टाइम्स 1 को प्लस करना है तो 1 × n कर लेंगे वो आ जाएगा n। अब आगे अब हम क्या करते हैं, ये दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो r डैश ऊपर आ जाएगा और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 176 ओम्स अपॉन n, और हम जानते हैं कि ये जो r डैश है ये इक्वल्स टू आर के है, इस आर के बराबर है, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो बराबर है टोटल रेसिस्टेंस इन लाइन के। अब आर डैश अभी भी हमने कितना निकाला, आर डैश निकाला है 176 ओम अपॉन एन, और टोटल रेसिस्टेंस हमने कितना निकाला था 44 ओम्स का, करेक्ट। तो एन को इधर ले आते हैं, 44 को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 176 ओम अपॉन 44 ओम इज इक्वल टू एन, ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, अब 44 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो यहां करेंगे 4 11 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 4 16 और बचेगा फिर 16, तो 4 एक और आएगा, 44 अपॉन 11 आ गया, 11 से 44 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि हम टोटल रेसिस्टेंस कितने जोड़ सकते हैं 176 ओम्स के इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं सिर्फ 4, तो एन आ गया 4, तो टोटल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल
आर फोर, ठीक है। चलिए एक बार ये और रिवाइज कर देते हैं। यहां से यहां पर हमने देखा कि हमने आर डैश को निकाला 176 ओम अपॉन एन। आर डैश मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमने निकाला 176 ओम अपॉन एन। अब जो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, ये इस लाइन पर टोटल रेसिस्टेंस के बराबर भी होगा, और टोटल रेसिस्टेंस हम पहले ही निकाल चुके थे 44 ओम्स का। तो यानी कि ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमने निकाला और जो ये टोटल रेसिस्टेंस हमने निकाला था, इन दोनों की वैल्यू को सेम होना चाहिए, यानी कि 176 ओम अपॉन एन इज इक्वल टू होना चाहिए 44 ओम के बराबर। फिर एन को ऊपर ले गए, 44 को नीचे ले गए, कैंसिल आउट किया तो 4 आ गया। तो हमें पता चल गया इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में 176 ओम्स के 4 रेसिस्टेंस।